करना चाहता हूं कि आप सबने मुझे जो 2019 के चुनाव में आशीर्वाद दिया था, 2019 के चुनाव में इन कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर मैं आदरणीय स्मृति दीदी को बताना चाहता हूं और बैठे मंच पर हमारे नेतृत्व को जब मुझे 12 दिन मिले थे तब लोगों ने कहा था, मीडिया के मित्रों ने, कि बीडी शर्मा जी 12 दिन में चुनाव कैसे जीतोगे। तब मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और बूथ का ही कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। आप सब कार्यकर्ताओं ने विजय का इतिहास बनाया था। मेरे भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आम जनता जनार्दन प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालायित है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति पर, आदरणीय नड्डा जी का आशीर्वाद से हमारा पूरा नेतृत्व देश के अंदर हर बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कमल का फूल खजुराहो का जो आपने पिछली बार भेजा था, ये अब स्वर्ण कमल का फूल बन करके आपकी मेहनत और ताकत के बल पर प्रधानमंत्री का संकल्प हर बूथ पर 370 नए मत जोड़कर हर बूथ को जीतने का इतिहास बनाना है। बोलिए सब कार्यकर्ता तैयार है? ताकत से बताओ तैयार है? तो मुट्ठी बांध करके संकल्प लो, हर बूथ पर, जो पिछली बार 173 बूथ बच गए थे, हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। बोलिए सब तैयार है? भारत माता की जय, जय श्री राम। उनको कम से कम इस स्थान पर ऐसी ऐतिहासिक विजय दीजिए ताकि मध्य प्रदेश के जनता की तरफ से इस खुजराहो लोकसभा के लोग ऐसा परिणाम दें ताकि हम लोग भी बैठे बैठकर जब परिणाम सुने तो गौरवान्वित हों, क्योंकि विकास का रास्ता यहाँ से निकलता है। और मध्य प्रदेश की जो परिस्थिति है, उस मध्य प्रदेश की परिस्थिति में अगर विधानसभा में जो परिणाम आए हैं और जो लोकसभा की परिस्थिति है, उस लोकसभा के लिए मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहूँगा, हमारे पास में कैसा नेतृत्व है, हमारे पास में कैसा विचार है, उस विचार के आधार पर चलती हुई योजनाएँ हैं जो आम आदमी के लिए है, ज़रूरतमंद के लिए है। ये देश की पहली सरकार है जिसने गांव के भीतर जाकर ये पूछा कि कोई ज़रूरतमंद शेष तो नहीं रह गया जिसको उसका हक ना मिला हो। आज तक कभी देश की राजनीति में ऐसा नहीं हुआ। मेरा राजनीतिक जीवन जब शुरू हुआ 1977 से लेकर 2014 तक जितने भी राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, मैंने होश हवास में उनको देखा है। ये जो 10 वर्ष हैं, ऐसे 10 वर्ष आज़ादी के 75 साल में आपको कोई दूसरे 10 वर्ष नहीं मिलेंगे। पचौरी जी जो बात कह रहे थे, मैं सिर्फ बुंदेलखंड की धरती पर कह सकता हूँ, हमारा किसी से विरोध और हमारी दुश्मनी भी हो, अगर अपनी बेटी का आमंत्रण लेकर हमारे दरवाजे पर आए तो हम उसे कभी इनकार नहीं करते। लेकिन देश के इस देश ने जो परिस्थितियाँ देखी, राम जन्मभूमि का आमंत्रण मिलने के बाद भी ये विरोधी दल के नेता जब वहाँ नहीं गए, मुझे लगता है आसानी के साथ ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, ये बुंदेलखंड का हर नागरिक, हर माता बहना तय कर सकती है। और इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज नामांकन के बाद आदरणीय बीडी शर्मा जी दोबारा अगर क्षेत्र में ना आए तो चूँकि वो मध्य प्रदेश भर में भ्रमण कर रहे हैं, सारे उम्मीदवारों का जिताने का दायित्व तो उनके ऊपर है। तो मैं आपसे सिर्फ दोनों हाथ जोड़कर ये विनती करने के लिए आया हूँ, हम अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लें और एक ऐतिहासिक विजय के साथ